सब्सक्राइब करें टेक्निकल मधेश यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटी बटन को, पाइए हमारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं टेक्निकल मधेश। आइए आज हम आपको बताते हैं वांडरशेयर फिल्मोरा के बारे में, जो की बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप वीडियो एडिटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चाहे या फिर नया ही क्यों ना हो या फिर आपको वीडियो एडिटिंग के एक्सपीरियंस ही ना हो, तो आपको हम ले चलते वांडरशेयर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर पे। तो ये हमारा वांडरशेयर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर आ गया, यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए वांडरशेयर फिल्मोरा को, या फिर आप गूगल में टाइप करके इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो 8.5.1 का। तो आपको जब भी इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे तो आपके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे विंडो दिखाई देगा जहाँ से आपको हम इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए 16.9 रेशियो का ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले सबसे बेहतर डिस्प्ले होता है जहाँ से आपको बेहतर क्वालिटी को आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। और आपको वीडियो एडिटिंग का थोड़ा भी एक्सपीरियंस ना हो तो आप इजी मोड में जाकर के बहुत ही आसानी से आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टेंट कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप पहले से बना करके रखें तो आप इंस्टेंट कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई एक्शन कैमरा को यूज़ करके आपने कोई वीडियो क्रिएट की है तो आप एक्शन कैमरा टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपको ले चलते हैं फुल फीचर मोड पे। हम आपको इस फुल फीचर मोड का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे फाइल के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस फाइल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सबसे ऊपर में आपको टॉप अप में दिखाई देगा क्रिएट न्यू, या जहाँ से आप अपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं। इस तो चलिए हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट, और इस नया प्रोजेक्ट हमारा आ गया। यहाँ से आप इस फाइल ऑप्शन के और बात करें तो आपको ओपन रिसेंट दिखाई देगा, और थोड़ा सा और नीचा जब आप जाएंगे तो आपको इंपोर्ट मीडिया दिखाई देगा, जहाँ से आप अपने कंप्यूटर में रखे हुए इमेजेस, फाइल, ऑडियो, वीडियो, वो सारे चीज़ आप इस सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा मीडिया फोल्डर, जहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी फोल्डर से फाइल इम्पोर्ट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अपने पीसी का स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड मीडिया फाइल से आप ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर फ्लिकर से आप अपने फोटो और इमेज को ब्राउज कर सकते हैं। रिकॉर्ड मीडिया से आप अपने वेब कैमरा को डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहते कि आपका जो स्क्रीन है उसका भी एक फाइनल वीडियो कटआउट, आप चाहते हैं कि आपका कोई स्क्रीन है उसका भी आप एक स्क्रीन रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, या फिर आपके पीसी पर जो भी एक्टिविटी चल रहा है उसका एक फाइनल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि अपनी स्क्रीन का कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करें तो आप इस रिकॉर्ड के मोड पे जाकर के आप कर सकते हैं, और यहां से आप डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको यहां पे दूसरे नंबर में दिखाई देगा एडिट मोड। जब भी आप यहाँ पर कोई भी वीडियो, फोटो, इमेज या फिर टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रखे हैं तो आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट डिवाइस कर सकते हैं अपने डिवाइस के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर आप यहां से डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपको एडिट के ऑप्शन से आपको ऑनलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा। आप हेल्प के ऑप्शन से आप इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, या फिर तरीके से एक बेहतर तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस हेल्प के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इस रजिस्टर के ऑप्शन से जब आपने इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर नहीं किया, आपने बाय नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि इसमें आप बिना रजिस्टर के यूज़ करेंगे तो आपको फिल्मोरा अपना वाटर मार्क देगा, जिससे आपको बेहतर वीडियो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इस वाटर मार्क की वजह से कुछ वीडियो में आपको दिक्कत आ सकता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ले चलते हम इसके दूसरे फीचर्स की ओर। तो यहाँ से देखिए आपको मोर इफेक्ट दिखाई देगा, जहाँ से आप इसका इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैसेज में आपने कोई रजिस्टर कर रखे तो आप कोई फिल्मोरा कंपनी कोई आपको मैसेज देगा तो आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा। लाइट स्क्रीन से आप व्हाइट और एक ब्लैक, दो इस तरह के स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। हमें ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, हम ब्लैक को ही सिलेक्ट करेंगे।
अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ पे मीडिया से, जहाँ पे आप ऑडियो वीडियो इमेज और बहुत सारी चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप म्यूज़िक इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के ऑप्शन से आप अपने वीडियो में टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन से आप वीडियो में इफेक्ट भी डाल सकते हैं। फिल्टर से आप कोई भी वीडियो सिलेक्ट किए उसका आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का अर्थ ये होता है कि आपने कोई वीडियो का सिलेक्ट किया, ठीक है, आप चाहते हैं कि उसे हम ब्लैक में दिखाएं या फिर उसे व्हाइट में दिखाएं या फिर सनलाइट में दिखाएं, इस तरह के आपको इफेक्ट मिल जाएगा। ओवरले भी आपको मिल जाएगा, जो भी वीडियो में आप देखते हैं कि किसी एक एक ओवरले में आपको मिल जाएगा। कोई भी वीडियो आपने सिलेक्ट करके रखे हैं उस वीडियो पे आप एक एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना चाहते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी डालना चाहते उस वीडियो पे आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी डालना चाहते हैं तो आप इस ओवरले में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स में आपको वीडियो में आपको दो तरह के किस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप दिखाना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन मोड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप एक ही बार में आप चाहे तो आप दो तीन वीडियो को आप एक स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, तो आप इसके लिए आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से आप अपने वीडियो को एक बेहतर क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, MP4, AVI या फिर आप जिस क्वालिटी में आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं उस क्वालिटी में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया, यहाँ से आपने कोई भी सिलेक्ट करके रखे हैं तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यहाँ से आपको कोई भी वीडियो सिलेक्ट करके रखे हैं उसका एक कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप वॉल्यूम पे कंट्रोल कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे आकर के देखें तो आपको यहाँ पे हम आपको एक फाइल सिलेक्ट करके दिखाते हैं।